नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा रांची से आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आप 2 सितंबर से पितृपक्ष होने वाला है, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को जानकारियाँ देना चाहती हूँ। पितृपक्ष क्या होता है, इसमें दोष कैसे लगते हैं और साथ ही उसका निवारण कैसे किया जाता है। पितृपक्ष वो होता है जिसमें पूर्वजों की पूजा होती है, जो स्वर्गीय लोग हो जाते हैं जिनके घर में, उनके घर में उनकी पूजा होती है इन 15 दिनों तक। तो आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले तो आपको स्वच्छ रखना है, अपने घरों को स्वच्छ रखना है, अपने घर के द्वारों को स्वच्छ रखना है। क्यों? क्योंकि इन दिनों हमारे पूर्वज हमारे घर जरूर आते हैं, हमारे चौखट पे वो बैठते हैं, हमें भले ही ना पता चले कि वो हमारे साथ हैं, हमारे ऊपर बैठ रहे हैं, हमारे चौखटों पे हमारे घर आ रहे हैं, लेकिन वो आते हैं। तो जिस प्रकार भगवान की पूजा होती है, उनको भी 15 दिन तक पूजा जाता है। ऐसा उन्होंने विष्णु भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि पूर्वजों की पूजा 15 दिनों तक होगी। ऐसा किया जाता है। तो आपको स्वच्छ होना है, निर्मल होना है और उनकी पूजा करना है 15 दिनों तक। तो पूजा कैसे होती है, इन दिनों जैसे हम भगवान का भोग चढ़ाते हैं वैसा उन्हें भी भोग चढ़ाया जाता है। तो भोग चढ़ाने के लिए सबसे पहले आप साफ सुथरे हो जाए, नहा धोकर उनके लिए भोग बनाएं। जो भी भोग, जैसे खीर बनाते हैं तो चावल वगैरह के जो बनाते हैं वो चावल का बनाएं, और जो चावल का नहीं बनाते हैं वो मेवे मखाने का बनाकर सबसे पहले वो भोग भगवान को दिया जाता है, फिर अपने पितरों को दीजिएगा। पितरों को दक्षिण दिशा में दिया जाता है, साथ ही रोज दक्षिण दिशा में दीप ज्वलित किया जाता है। ध्यान रहे कि उसका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। और साथ ही जो लोग अपने पितरों की पूजा करना चाहते हैं तो आप दक्षिण दिशा में उनकी फोटो लगाकर उस पे माला चढ़ाएं और रोज दीप दान करें। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने पितरों का श्राद्ध करें, जैसे कि गया में किया जाता है। तो कुछ लोग अगर गया में ना करें तो अपने घरों में भी श्राद्ध कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग श्राद्ध अगर पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण को चावल, आटा, गेहूं, गुड़, फल, सब्जी और कुछ दक्षिणा एक ब्राह्मण को देकर अपने पितरों से कामना करें कि मुझे पितृ दोष से मुक्त करें। पितृ दोष क्या होता है? पितृ दोष वो होता है जिसमें हम पूर्वजों को नहीं मानते हैं तो हमारे घर में कष्ट होता है, धन की हानि होती है, रुके हुए धन कभी नहीं मिलते हैं, आपका घर बार द्वार कभी नहीं बनता है, साथ ही विवाह में भी अड़चनें आती हैं, सास बहू में झगड़े होते हैं, घरों में रोज लड़ाइयाँ होती है, किसी से बनता नहीं है और भाई भाई में भी लड़ाई होती रहती है। साथ ही आपकी कोई भी जैसे पूर्ण काम हो वो कभी नहीं होता है, तो इस पे पितृ दोष होता है। साथ ही माँ बाप को कष्ट होता है, उनके बच्चों का विवाह नहीं होता है, और अगर हो भी जाए तो उनका विवाह अच्छे से संपन्न नहीं होता है। पितृ दोष एक ये भी होता है कि स्त्रियों का बच्चा नहीं होता है और उनका हो भी जाए तो गर्भपात हो जाता है। तो इस प्रश्न में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका निवारण आप कैसे करें। सबसे पहले रोज अपने पितृ को तर्पण दें, यानी कि उन्हें जल दें किसी नदी तालाब में, और अगर घर में दें तो किसी कुएं में, किसी अच्छे स्वच्छ जगह पे उन्हें अपने तर्पण दें और उनसे निवेदन करें कि जो भी मेरे में मैंने जो गलती की है उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करें। और ब्राह्मणों को एक दिन अपने घर में भोजन जरूर खिलाएं, सात्विक भोजन दे जिससे आपके पितृ भी उनसे खुश हो। अगर आप लोग ये करने में निर्मित नहीं हैं, गरीब हैं, तो भगवान सूर्य देव को दोनों ऊपर हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, हमसे नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा संदेश आप ही मेरे पूर्वज तक पहुँचाएँ और उनसे हमें क्षमा की याचना दें।
ताकि वो लोग हमें माफ करें और जो भी पितृ दोष है वो आपके मुक्त होंगे। साथ ही काले तिल को लेकर किसी नदी तालाब में अपने पितरों को तर्पण दे और काले तिल को अपने हाथ से उसे नदी में दे, इससे पितृ दोष में मुक्ति मिलती है। सो आप लोग जरूर कीजिएगा। किसी ब्राह्मण को आप दान दीजिए। इन दिनों गाय कौवे कुत्ते चींटी को भोजन जरूर दे। जैसे भोजन कोई जूठा वगैरह ना दे, जैसे एक दो रोटी बना ले तो एक गाय को दे, कौवे को दे, चींटी को दे, कुत्ते को दे। चींटी को आप चीनी भी दे सकते हैं क्योंकि इससे हमारे पितृ दोष मुक्त होते हैं। तो ये थी मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बताया। और साथ ही किसी शमशान जगह में जाकर, सुनसान जगह में जाके दोनों हाथ जोड़ के अपने पितरों से क्षमा मांगे कि हे प्रभु, मुझसे जो भी गलती हो गया है मुझे क्षमा करे, मेरे बच्चों को कष्ट ना दे, मुझसे जो भी गलती हुआ है उसका मैं निवारण करूँगा, मुझे माफ़ करें। ये कहकर आप उनसे निवेदन ज़रूर करें, वो आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे, आपसे खुश भी होंगे। साथ ही अपने चौखट को रोज़ साफ करें, रोज़ प्रतिदिन, और अपने घर द्वार में कहीं भी गंदगी ना रखें क्योंकि इन दिनों वो ज़रूर आते हैं। यमराज देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आप लोगों की भी पूजा 15 दिन होगी, तो इसलिए उनकी पूजा होती है। और आप लोग पितृपक्ष में ज़रूर सावधान रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, क्योंकि हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देने ज़रूर आते हैं। तो ठीक है, ये थी मेरी कुछ जानकारियाँ जिन्हें मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ पूछना हो इस विषय में तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए प्रणाम।